चंडीगढ़ से सिरसा की ओर रोडवेज बस जिसका नंबर HR 62 8790 है, गांव भट माजरा के पास MP फार्म में बस को रोका गया। सरकारी कर्मचारी ने चेक किया तो उसमें 5 से 6 लड़के बिना टिकट मिले, जिनमें से कुछ लड़कों के पास MST पास मिले और इसके पास उन्हें छोड़ दिया। जिनके पास नहीं थे उनको 500 रुपए का सरकारी जुर्माना डाला गया और सरकारी रसीद काट दी गई, जो बाकी बच्चों पर कानूनी कार्यवाही भी की गई। जब हमारे हरियाणा ब्यूरो हरकेश राणा ने गाड़ी का जायजा लिया तो अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि अक्सर बसों में ऐसा पाया जाता है कि कॉलेज के छात्र बिना टिकट चलते हैं। कितने लड़के पकड़े सर? टोटल कितने हैं? हाँ जी, टोटल दो बच्चे पकड़े हैं और बच्चे तो ज्यादा दिक्कत नजर आ रहे हैं। वो जिसके पास है वो तो अच्छा, पास वाले को छोड़ दिया। 6 लड़के पकड़े हैं तो रसीदे कितने काटी जी? पीछे किसी ने नहीं दिया अभी। तो अब क्या करोगे आप इस विषय में? आप अप्रेंटिस बच्चों को रोका जा रहा है जी, क्योंकि उनके पास राइट्स हैं ट्रैवल करने के ड्यूटी प्लेस पे, और हमें परेशान किया जा रहा है बार बार रोक रोक के, और इनकी भी मजबूरी है क्योंकि स्टाफ को ऊपर से बोला गया जी। तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमें दोबारा से अलाउड किया जाए अपने ड्यूटी प्लेस पे रिसाइडिंग करने के लिए जी। ये मेरा हरियाणा सरकार से बहुत रिक्वेस्ट है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। कैसे परेशान किया जा रहा है आपको? बार बार रोका जा रहा है, ये भी मजबूर है, हमें रोक रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है। ये बार बार थोड़ा रोकते हैं जहाँ इनकी ड्यूटी है चेक करना, चेकिंग में रोकते हैं, इसमें परेशान कैसे कर रहे हैं आपको? सर हम घर से जब आते हैं तो हमें ड्यूटी प्लेस में जाना ही पड़ता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इनकी भी ड्यूटी है, इनकी भी ड्यूटी है, तभी तो चेक कर रहे हैं।